भागलपुर में हुई दिल दहला देने वाली बम विस्फोट की घटना से पीएम नरेंद्र मोदी भी आहत हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूरे हालात पर नजर बनाए रखने की बात करते हुए पीड़ितों को हर संभव सहायता दिए जाने की बात कही है। वहीं विस्फोट की घटना में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है, दूसरी ओर एक दर्जन से अधिक लोग घायल हैं, जिसमें 7 की हालत नाजुक बताई जा रही है। देर रात जहां विस्फोट के बाद मलबे से 500 बरामद हुआ था, वही आज रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 800 बरामद हो चुके हैं। देर रात हुए दिल दहला देने वाले बम विस्फोट का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो घटना स्थल से 200 मीटर की दूरी का है। आप फुटेज में साफ देख सकते हैं कि किस तरह विस्फोट होने के बाद आसपास का इलाका बम से थर्रा उठा। विस्फोट में अब तक 3 मासूम समेत 13 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 10 लोग घायल हैं। घायलों को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 12 लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, वहीं गंभीर रूप से घायल राहुल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा है। अस्पताल अधीक्षक असीम दास ने बताया, हमारे पास अब तक कुल 21 आए हैं, जिसमें से 10 की पहले ही मौत हो गई थी और एक की इलाज के दौरान मौत हुई है, उसे सर में काफी चोट आई थी। एक और की स्थिति गंभीर है, उम्मीद है उसे बचा लेंगे। बता दें, कल रात के 11:35 पर काजवली चक में एक घर में भयानक विस्फोट हुआ था, जिससे 3 मंजिला इमारत समेत 3 घर जमींदोज हो गए थे। इसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 लोग घायल हैं। भर्ती हैं अभी कुल 11 जो है वो यहाँ डेड बॉडी ही आए, समझ लिया जाए, यहाँ सिर्फ वो घोषित हुए 10 डेड बॉडी आए। एक जो है वो हमारे यहाँ सीरियस अवस्था में भर्ती था और इलाज के बाद जो है वो मारा गया। उसको सीवियर लंग कंटीजन था और हेड इंजरी था और ट्रीटमेंट चल ही रहा था, लेकिन सडनली उसकी मौत हो गई। तो कुल 11 लोगों की मौत हुई है और 5 लोग जो है वो सिंपली उनको कुछ था नहीं, लगता है कि वो डर से एडमिट हो गए थे रात में, तो उनको घर भेज दिया गया। 5 लोग अभी हमारे यहाँ इलाज चल रहा है, जिसमें एक आदमी का दोनों जांघ का हड्डी टूटा हुआ है, काफ़ी रक्त स्राव हुआ है, तो उसको ब्लड चढ़ रहा है, सेकेंड यूनिट चढ़ रहा है और वो सीरियस अवस्था में है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम लोग उस पर काबू पाएंगे। एक अस्पताल में डेथ हुआ है और जो 4 हैं वो अभी भर्ती हैं, इलाज चल रहा है, हमें लगता है स्टेबल है।